आइए, ये आप लोगों का काम है। हाथ लगाइए, चंदन अंदर अंदर चल, अरे तू पीछे से अंदर चल, तू चल हाला मत करियो। सब कोई बैठे, सब कोई सर हट जा, रिटेल पार्किंग के लिए आए हैं। अच्छा सर, ये काम के बाद ना, हां अरे ले लिया भाई फोटो, मैंने बनाई तो ले लिया। भाई रुक जाओ, ए जा ना, बैठो लो पहले, सर सब बैठो, तो बैठ गया बैठिए। आप लोग पीछे होके वीडियो बनाए ना, सब लोग पीछे होके चलो, बाबू सब पीछे हो, पीछे लोग रहे, एक मिनट सब लोग शांत रहिए, इधर आ जाओ भैया, सब लोग प्लीज आप पीछे क्यों भैया होते, थोड़ा सा पीछे तो वीडियो में आइएगा, पीछे तो वीडियो में आइएगा, ए बच्चा न्यूज में चलिएगा, पकड़िए सर बताइए, इस तरह के उत्कृष्ट कार्य के लिए जो मैं आज लगभग 30 सालों से, अरे तो वीडियो में आइएगा, पीछे तो वीडियो में आइएगा, ए बच्चा न्यूज में चलिएगा, पकड़िए सर बताइए, इस तरह के उत्कृष्ट कार्य के लिए जो मैं आज लगभग 30 सालों से अध्ययन का काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, इस गांव में भी हमें रहते हुए आज लगभग 17 साल हो गए, लेकिन आज इतना खुशी हमको हो रहा है कि आज तक हमारे जानकारी के अनुसार प्रतिनिधि के कोई जन प्रतिनिधि को छोड़ करके कोई कलाकार, भोजपुरी के इतने बड़े कलाकार के द्वारा आज हमारे इस विद्यालय में इस शिक्षा के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, जो देश के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाता है, उसके लिए इस गांव के, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और आज विश्व के मानचित्र पर नाम कमाने वाले खेसारी लाल यादव के द्वारा ये पुस्तकालय का और बच्चों के बीच में ये पुस्तक का वितरण जो किया गया, इसके लिए हम लोग पूरे परिवार, विद्यालय परिवार के तरफ से इनको कोटि कोटि धन्यवाद। कहना चाहूंगा और इनसे, जे आप इतने बड़े लोकप्रिय हैं, जे कहीं भी आप मिट्टी को भी छू देंगे तो वो सोना हो जाएगा, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के गभी गा अपना हाथ और कदम बढ़ाते रहिएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बन पाएगा। नहीं, मैं अपने गांव से शुरुआत कर रहा हूं। जी जी, जी यस सर, पहले स्कूल में मैं बोरा पे बैठता था यहाँ पे, और मैं बचपन में बोरा पे बैठा करता था यहाँ पे, यही से पढ़ाई की शुरुआत हुई है, और मैं कोई भी काम चाहता हूँ कि अब कोई भी काम करूँ तो पहले जहाँ से हूँ मैं वहाँ से शुरू करूँ, ताकि जिस गांव के लोगों ने मुझे अपना बेटा समझा है, जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं हर आदमी के दिल में रहता हूँ, अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, और आप लोग का बहुत योगदान है। मैं उतना नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो
दौर नहीं था, पैसे नहीं थे, सिचुएशन नहीं था, लेकिन आज मेरे पास वो सिचुएशन है और वो दौर भी है जो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि इस शिक्षा की दिशा में जितना बेहतर चीज हो सके मेरी तरफ से, शुरुआत गांव से है, जिला तक भी फैलेगा, पूरे बिहार तक कोशिश रहेगी मेरी की इस किताब को पहुँचाऊँ, जिससे हमारे बच्चे पढ़कर और अपने भविष्य को तय कर सके और अपने देश का नाम बढ़ा सके। ऐसे आप जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा, कितने बेटा, और ध्यान से पढ़ना, मेरा नाम रोशन करना, पास इसके लिए आपने गाना भी गाया था। हाँ लो, और कौन है बेटा? और मैट्रिक के बच्चों के लिए भी किताब।